Welcome to my channel Simple Interventions. This is Madhulika Chatterjee and today I am back with yet another video. तो आज जो है मैं आप सब लोगों के साथ जो मेरी सिटी है फ्रीबुर्ग मैं आप सब लोगों को उसकी छोटी सी एक टूर कराने वाली हूँ. सो वी आर गोइंग टूडे टू द फ्रीबुर्ग सिटी सेंटर विच इज अ मॉल. तो वहां पर आज हम जाएंगे. इवन वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम देयर सिंस यहाँ पर हमें आए कुछ वीक्स हुए हैं अभी. आई वुड लाइक टू शेयर दिस लिटिल डे ट्रिप विथ ऑल ऑफ यॉल. तो वहाँ पर हम जाएंगे, शायद थोड़ा लंच करेंगे एंड देन वी विल गो अराउंड द सिटी लिटिल बिट एंड देन कम बैक होम. ओके सो स्टे ट्यून्ड, सी यू. हम लोग लंच के लिए आए थे सो वी आर वेरी हंग्री राइट नाउ. तो अभी हम लोग थोड़ा लंच कर लेंगे. सो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट अभी 3 बज रहे हैं तो ऑल द लंच इज ओवर. सो नाउ ऑल वी हैव इज अ स्नैक आइटम्स. तो कोई बात नहीं, हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा जो भी मिल गया. वी आर लिटिल लेट फॉर लंच. सो या हियर इज अ पाई, bread with some egg, some patisserie, sweet dessert, brownie sort of hai with coconut shredings, and yahan par hai again an open sandwich with some iced tea and a wonderful view outside. Ye hai city center ka view jiski wajah se kafi log yahan par baithe hain. Because of this fabulous view, वैसे काफी बड़ा है ये रेस्टोरेंट बट स्टिल. एंड देयर वी हैव आवर लिटिल बॉय. Other weekdays mein the mall is open up to 7 o'clock in the evening from 9 a.m. in the morning. तो since हम लोग weekend में आए हैं तो another 45 minutes में mall अब बंद होने वाली है. But never mind, जितना भी हम 45 minutes में घूम सकते हैं we will go around the place and see. यहाँ पर मेरे हबी अभी गए हैं कॉइफर as in the salon, वहाँ पर हेयर का अपॉइंटमेंट लेने. सो
सो आई थिंक ही इज गेटिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर मंडे. वैसे हेयर कटिंग वगैरह जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है स्विट्जरलैंड में. सो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ माई हस्बैंड गॉट एन अपॉइंटमेंट. सो कम से सो हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू? 44 francs. सो 44 francs फॉर जस्ट अ नॉर्मल हेयर कट. इज देयर अ वॉश इंक्लूडेड? ओके सो देयर इज अ वॉश इंक्लूडेड एज वेल. सो 44 francs फॉर अ मैन हेयर कट. मे बी फॉर लेडीज आई थिंक यू नो शुड बी लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव. सो अभी जो है हम लोग थर्ड लेवल 3 में है और यहाँ से जो है हम एग्जिट करके बाहर भी जा सकते हैं, दैट इज़ टूवर्ड्स द सिटी. जो हमने अभी ऊपर विंडो से देखा, फ्रॉम देयर वी कैन गो टूवर्ड्स आउटसाइड टूवर्ड्स द सिटी एज वेल. आपको ये जो है ये फ्रीबर्ग बाहनहॉफ है ट्रेन स्टेशन एंड दिस इज द मेन फ्रीबर्ग सेंटर. काफ़ी शॉप्स है. तो हम लोग ये टाइम अंदर थे मॉल के, सो वी केम आउट, बट हमारी पार्किंग है नीचे तो हमें वापस नीचे जाना पड़ेगा. सो वी हैव टू गेट थ्रू द मॉल इटसेल्फ. बट अभी चलिए थोड़ा घूम लेते हैं शॉप्स में. Everything is getting closed here. That is a half day. Yeah. All closed. So now the mall has closed and of course हम भी अभी वापस जा रहे हैं. I also did a little bit shopping here and फिर वहाँ से चले आए because 4 बजे सारे जो मॉल्स हैं यहाँ के वो बंद हो जाते हैं. बट इन अ वे यू नो इट इज़ गुड कि एटलीस्ट सैटरडेज एंड संडेज को इट इज़ ओपन. लाइक मोस्ट ऑफ द सिटीज इन स्विट्जरलैंड ऑन सैटरडेज ऑल ऑफ द मॉल्स एंड थिंग्स आर ओपन. संडे नॉट सैटरडे. ना ऑन सैटरडे इट इज ओपन बट आई एम ऑन एग्जैक्टली इट्स हाफ डे. बट ओवर हियर समथिंग विच आई एम सीइंग न्यू इज ऑन संडे ऑल्सो द मॉल इज ओपन टिल 4 o'clock बट इट इज वर्किंग. So it's good, you know, sometimes काफ़ी time होता है ना we miss out on things, भूल जाते हैं तो तभी you know we can come back on Sunday and pick up the thing which we want. It's a very pleasant day and typically ये कुछ दिन और ही last करेगा because the moment October hit होगा it's going to be cold. तो जितना दिन थोड़ा सा sunny सा weather है ये स्विस लोग काफ़ी enjoy करते हैं, especially the ones living in Europe. जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे लोग ये जो समर सीजन का टाइम है बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. ये बुक जो एरिया है यहाँ पे जर्मन भी बोला जाता है, फ्रेंच भी बोला जाता है, बट फ्रेंच इज़ यू नो मोस्टली ज़्यादा बोला जाता है फ्रेंच. यहाँ पे जो भी शॉपकीपर्स एंड एवरी वन हु आर देयर यू नो दे ऑल स्पीक इन फ्रेंच. बट या ऐसा नहीं कि जर्मन नहीं समझते, जर्मन समझते हैं. दिस इज होल ऑफ फ्रीबुर्ग. वो जो है दैट्स फ्रीबुर्ग मुंस्टर लाइक कैथेड्रल. यहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर एक पैलेस है. यहाँ पे दो फोर्ट्स भी है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल दिस एरिया. टिपिकली ये जो सारे आप आर्किटेक्चर देख रहे थे वो मुंस्टर का एज इन द कैथेड्रल का, वो सारे गॉथिक आर्किटेक्चर कहा जाता है इसे. और ये काफी पॉपुलर है यहाँ पे. तो काफी अच्छा रहा, हम लोग अच्छे से यू नो वी जस्ट डिस्कवर्ड फ्रीबुर्ग सिटी सेंटर. सिटी के बीचों बीच आए, यहाँ का जो सबसे बड़ा मॉल था वो हमने डिस्कवर किया. हालांकि जो मॉल्स इंडिया में होते हैं रादर यू नो दे आर मच मोर बिगर विथ मोर ब्रांड्स एंड स्टफ,
बट जैसा आपने अभी देखा शायद ये मॉल थोड़ा सा अलग है, एज इन मॉल से आप जस्ट बाहर सिटी सेंटर में निकल के आ सकते हैं. वी ऑल एंजॉयड आवर डे. ओवरऑल इट वाज अ नाइस डे आई वुड से. अब आगे भी हम लोग और फ्रीबर्ग के आसपास फ्रीबर्ग में और जो जो चीजें हैं वो डिस्कवर करेंगे फर्दर व्लॉग्स में, बिकॉज मेरे लिए भी ये सिटी नई है. ज़ुरिक में तो जहाँ जहाँ जाते थे आप लोगों के साथ जाते थे, बट अब फ्रीबर्ग में जहाँ भी जाएंगे आसपास में, इंटरलेकिन भी बहुत ही नज़दीक है. दो हम लोग इंटरलेकिन पहले भी घूमे हैं एंड देयर इज अ वीडियो ऑफ माइन ऑलरेडी मेड ऑन इंटरलेकिन. इफ यू हैव नॉट चेक्ड इट आई विल पुट द लिंक अप, यू कैन चेक इट. तो यही है, जहाँ जहाँ जाएंगे आप सबको साथ में लेकर जाएंगे. सो आई होप यू ऑल लाइक द दिस स्मॉल व्लॉग या एक्सप्लोरिंग विथ मी फ्रीबर्ग. इफ यू ऑल लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एंड आप ये अब नियर फ्यूचर में किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे.